इरिज स्टार टीवी के मुहज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन, डड़ियाल आज़ाद कश्मीर से इंतहाई अफसोसनाक खबर। डड़ियाल कटार कत्ल केस के मुलजमान गिरफ्तार। बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग के दिन मकतूल मलक हसन वल्द बशीर को रास्ता रोक कर मुलजम आफ्ताब ने गोलियां मार दी, जिस पर हसन मौका पर जाँ बाक हो गया और इसे सियासी रंग दे दिया गया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कहा गया कि मुखालिफ पार्टी ने इलेक्शन वोटों की वजह से कत्ल किया वगैरह वगैरह, मगर नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश में सब कुछ उगल दिया। मुलजम आफ्ताब की और मकतूल हसन एक जाती अनाद था, शादी के मामलात थे, शादी आफ्ताब करना चाहता था, हसन ने कर ली, जिस पर आफ्ताब को रंज था। मौका मिलते ही आफ्ताब ने साथियों समेत हमला करके हसन को कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गए। नाज़रीन, SHO अदनान साबर हमरा नफरी रात गए दो मुलजमान चीफ मुलजम मलक आफ्ताब वल्द मलक बशीर और मलक आतिफ महमूद वल्द मलक महमूद साकन नकोटा कटहार को गिरफ्तार कर लिया और आला कत्ल 30 बोर पिस्तौल भी बरामद कर लिया। मुलजमान के खिलाफ दफा 302, 148, 149, 109 के तहत FIR दर्ज कर ली गई। नाज़रीन, इस अफसोसनाक खबर के हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।